मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि टाइम हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है, आप लोगों के लिए, मेरे के लिए भी, मेरे लिए भी, राइट। तो हम लोग डायरेक्टली पॉइंट पे आएंगे और पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, ओके। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ, क्योंकि काफी सारे लोग नहीं जानते। तो मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ और मेरा नाम अरुण साहू है। मैंने जैसे भी ग्रेजुएशन कम्प्लीट किया है बीएससी मैथमेटिक्स पे, और इस सिस्टम पे पिछले 5 महीने से मैं काम कर रहा हूँ, राइट। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा है, तो उसी के एक्सपीरियंस के बेस में हम लोग आज इसके बारे में समझने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर मुझे बताइएगा, मेरा स्क्रीन विजिबल है कि नहीं और वॉइस क्लियर है कि नहीं, ये मुझे गाइड करिएगा। ओके 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 सर, क्लियर। स्क्रीन विजिबल है ना? विजिबल या है विजिबल अराउंड या ओके, प्रोसीड। थैंक यू। देन चलिए अब स्टार्ट करते हैं सेशन। अब डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, ओके। जिस 25 मिनट, ओनली 25 मिनट में सारी चीजों को क्लियर करेंगे। देखिए यहाँ पे हम कोई नेटवर्क मार्केटिंग या अफिलिएट मार्केटिंग के बिजनेस प्लान समझने नहीं आए हैं। यहाँ पर हम सिंपल से एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम के बारे में समझेंगे, क्या है एग्जैक्टली ये सिस्टम और कैसे वर्क करता है। तो समझिए ध्यान से, ये जो सिस्टम है पूरी तरह से बेस्ड है क्रिप्टो करेंसी पे। अगर आपको इस सिस्टम को समझना है ना, इस सिस्टम की पावर को समझना है, तो सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी को आपको समझना होगा कि क्या है एग्जैक्टली क्रिप्टो करेंसी। मुझे पता है कुछ लोग जानते होंगे, बट मैक्सिमम लोगों को पता नहीं है क्रिप्टो करेंसी क्या है। तो आप लोगों को लैब सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, समझिए ध्यान से, एकदम बेसिक से बताता हूँ। देखिए हम लोग जो इंडिया में INR यूज करते हैं ना, वो क्या है, एक फिजिकल करेंसी है, नोट और सिक्के, जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो। अगर मैं कहूँ कि इस INR को आप USA जाकर या किसी अदर कंट्री में जाकर यूज करिए, तो क्या ये ऐसे ही पॉसिबल होगा? पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि सिंपल सा अपना लिमिटेशन है इंडियन करेंसी का, कि वो सिर्फ इंडिया में ही रन करेगा। सेकेंड, उसको इंडियन गवर्नमेंट कभी भी बंद कर सकता है, चेंज कर सकता है, जैसे नोटबंदी के टाइम किया था। लेकिन क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा डिजिटल वर्चुअल करेंसी है जो ग्लोबली रन करता है, इसको कोई भी गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकता है, राइट। तो ये है सिंपल सा डिजिटल करेंसी। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, डिजिटल करेंसी जो है ना, क्रिप्टो करेंसी, बात करूँ ग्लोबली 4000+ है, लेकिन लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी शायद आप लोग भी सुने होंगे बिटकॉइन के बारे में। पता है आज एक बिटकॉइन की वैल्यू कितना है? 37 लाख रुपीज। मैं आपको लाइव सारी चीजें दिखाऊंगा, एक एक्सचेंजर पे लेकर चलता हूँ मैं, जहाँ पे आपको ये चीजें क्लियर होगा। देखिए इस आप देख सकते हो 37,87,000, राइट। ये है अभी करेंट आदित्य जी, प्राइस वॉइस बिटकॉइन क्लियर है की। करुण की? वॉइस क्लियर आ रही है आदित्य जी? या अभी अभी ग्लिच हो गया था, अभी ग्लिच हो गया था, या अभी क्लियर है ओके, अभी वॉइस क्लियर है ना? यार? राइट नाउ क्लियर है। ओके थैंक यू। अभी ध्यान से समझिएगा, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ क्रिप्टो करेंसी के बारे में, और क्रिप्टो करेंसी 4000+ लिस्टेड है अभी। उसमें से लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन है। पता है 2000, ऐसा है कि इसकी थोड़ा सा मैं और डेप्थ में आपको बताने की कोशिश करता हूँ, कि जो क्रिप्टो करेंसी है इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये गोल्ड के प्रिंसिपल पे रन करता है। दैट मीन्स आप सब जानते हो गोल्ड का प्राइस इंक्रीज डिक्रीज होते रहता है। ऐसा होता क्यों है, क्या आपने कभी सोचा है? ऐसा सिंपल सप्लाई और डिमांड के कारण होता है। जितना ज्यादा डिमांड होगा उतना ही गोल्ड का प्राइस इंक्रीज होता है, जितना डिमांड कम होगा प्राइस डिक्रीज होता है। सेम यही फंडा क्रिप्टो करेंसी पे भी लागू होता है, और क्रिप्टो करेंसी का प्राइस भी ऐसे ही इंक्रीज डिक्रीज होते रहता है ट्रांजेक्शन की बेस में, ठीक है। तो ये है सिंपल सा इसका फंडा कि प्राइस इतना क्यों मूव ऑन होता है ना। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, अभी मैं बात कर रहा था बिटकॉइन के बारे में। आज एक बिटकॉइन की वैल्यू 37 लाख रुपीज है, और पता है 2009 में इसकी वैल्यू कितना था? ओनली 6 रुपीज था, ओनली 6 रुपीज 2009 में। अगर इसका नॉलेज रहता आपको 2009 में, और 12 रुपए में 2 बिटकॉइन परचेज कर ले रहते, तो अप्रॉक्स 1 करोड़ रुपए आपके पास होता अभी। बट लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से हमने उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया, राइट। अब तो हमारे पास रिग्रेशन के सिवा और कुछ है नहीं, क्योंकि 37 लाख रुपीज अभी हम उसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग भी एक स्टूडेंट ही हो, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, और हर कोई इतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। स्पेशली इंडिया की बात करें तो इतना अफोर्ड करना आसान नहीं है, राइट। सेकेंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी की बात करूँ तो इथेरियम है। ये है इथेरियम, देख लीजिए 2015 में इसकी वैल्यू ओनली 60 रुपीज था, ओनली 60 रुपीज था, और आज कितना है? 1,25,000 रुपए है। सोच लीजिए सिर्फ 5 साल का डिफरेंट, और 60 रुपए से 1,25,000 चला गया। अब सोचिए 2015 में ही आपको नॉलेज रहता है इसका, 60 रुपए में एक इथेरियम परचेस कर ले रहे थे, तो उसकी वैल्यू आज क्या रहती? अंदाजा लगाइए, आपको पता चल जाएगा 1,25,000 रुपए होता उसकी वैल्यू। बट हम लोगों ने लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से इस दोनों करेंसी को हमने मिस कर दिया, इस अपॉर्चुनिटी को हम ग्रैप नहीं कर पाए। अब हमारे पास क्या ऑप्शन है? अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि इस
बिटकॉइन और इथेरियम की बात करूं तो एक बिटकॉइन की वैल्यू 37 लाख है, एक इथेरियम की वैल्यू 1,25,000 है, तो क्या आप इसमें इन्वेस्ट कर पाओगे? पॉसिबल नहीं है हम लोगों के लिए, क्योंकि इसकी प्राइस बहुत हाई जा चुका है, अब हम इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसा ही एक क्रिप्टो करेंसी ट्रोन है जिसकी वैल्यू आज लगभग 4 रुपए के आसपास है, इसमें तो छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ना। अब इन्वेस्टमेंट क्यों करना है इसको ध्यान से समझिएगा। आप लोगों को पता होगा हम पहले 10 पैसे 20 पैसे यूज किया करते थे, क्या आज हम यूज करते हैं उसको? नहीं करते हैं, क्योंकि सिंपल सा ये फंडा है कि उसकी वैल्यू नहीं रहा। जो 10 पैसे 20 पैसे पहले अवेलेबल हुआ करता था ना, आज उसकी वैल्यू नहीं है, राइट? इंडियन करेंसी की बात करूं तो इंडियन करेंसी महंगाई के पीछे पीछे चल रहा है, और अगर बात करूं क्रिप्टो करेंसी की तो क्रिप्टो करेंसी महंगाई के कई गुना आगे निकल गया है, राइट? अगर आपको अपने लाइफ में सिक्योरिटी चाहिए तो इंडियन करेंसी के लिए काम करना छोड़ करके क्रिप्टो करेंसी के लिए काम करना शुरू करिए, राइट? आप खुद ही समझ जाएंगे ये जो चीजें हैं। 2009 की ही बात करूं, अभी मैंने जो क्लियर किया था, 2009 में जिस 6 रुपए की वैल्यू थी, क्या आज उस 6 रुपए की वैल्यू उतनी ही है? नहीं, कुछ भी नहीं है आज उस 6 रुपए की वैल्यू। लेकिन 2009 में जिस बिटकॉइन की वैल्यू 6 रुपए था ना, आज इसकी वैल्यू 37 लाख रुपीज है। तो आप सोच लो कि क्या इंक्रीमेंटेशन होता है, और हमें अपना टाइम और इफर्ट कहाँ पे डालना चाहिए, इंडियन करेंसी को अर्निंग करने के लिए कि क्रिप्टो करेंसी को अर्निंग करने के लिए? ये सिंपल सा फंड है जिसको आपको क्लियर करना बहुत जरूरी है। जब तक आप इसको नहीं समझोगे आप आगे इस पे काम नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो ये आपका एक्सचेंजर है जिसमें आप बाय सेल कर सकते हो, प्राइस वगैरह यहाँ से करेंट प्राइस चेक कर सकते हो। ओके, अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, कुछ एक फंडा आपको समझ में समझाना है मुझे। यहाँ पे समझिएगा, सपोज आपके पास 1 लाख रुपए है, ठीक है? 1 लाख रुपए INR के फॉर्म में है। अब उसको आपने बैंक में 1 साल के लिए FD कराया तो कितना परसेंट इंटरेस्ट आपको मिलता है बैंक में? मुश्किल से 5 से 7%। डेट में से जो 1 लाख रुपए है ना, वो 1,05,000 से 10,000 होगा, इससे ज्यादा होगा नहीं, गारंटेड है। लेकिन अगर आप डील कर रहे हो क्रिप्टो करेंसी पे, और सपोज क्रिप्टो करेंसी ट्रोन है, और जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया लगभग 4 रुपए के आसपास है, तो एक एक ट्रोन की वैल्यू 4 रुपए भी मान लीजिए, तो 1 लाख ट्रोन की वैल्यू 4 रुपए होता है, तो 1 लाख ट्रोन की वैल्यू 4 लाख रुपए होगा। अब इस 4 लाख को 1 साल अगर आपने होल्ड करके रख लिया ना ट्रोन के फॉर्म में, तो 1 साल के बाद ये 10 से 15 गुना रिटर्न आपको दे सकता है। दैट मीन्स जिसकी वैल्यू आज 4 लाख है, वो हो सकता है 30 से 40 लाख रुपए में कन्वर्ट हो जाए 1 साल में। तो अब आप सोच लीजिए आपको काम क्यों करना है इस प्लेटफॉर्म पे और क्रिप्टो करेंसी पे, राइट? अब कुछ चीजें और क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि अभी बात चल रहा है क्रिप्टो करेंसी का, तो काफी सारे लोगों का ये मिथ है कि इंडिया में क्रिप्टो करेंसी बैन है या फिर बैन होने वाला है। तो समझ लीजिए, इंडिया में क्रिप्टो करेंसी पूरी तरह से लीगल नहीं है और ना ही बैन किया गया है। ओके, एक तरीके से मीडियम में है। और हाँ, मैं बता दूं कि इंडियन गवर्नमेंट खुद की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने जा रहा है। उन्होंने डायरेक्टली इस चीज कहा है कि जितने भी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज हैं वो बैन हो जाएंगे, बाकी क्रिप्टो करेंसी जितने भी लिस्टेड है ना वो वैसे के वैसे रन करेंगे, इसको कोई कंट्रोल कर ही नहीं सकता है। और एक चीज और क्लियर कर दूं, क्रिप्टो करेंसी को कोई बैन नहीं कर सकता है, क्योंकि सिंपल सा सॉफ्टवेयर है और सॉफ्टवेयर को कोई कंट्रोल कर ही नहीं सकता है। अगर बंद करेंगे तो आपके एक्सचेंजर को, जो मैंने अभी आपको दिखाया ना, ये जो एक्सचेंजर है इसको बंद किया जाएगा, ये जो एक्सचेंजर है इसको बंद किया जाएगा, इस एप्लीकेशन को बंद किया जाएगा, जिससे आप बाय सेल नहीं कर पाओगे। लेकिन क्रिप्टो करेंसी को बैन नहीं किया जा सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। ओके, तो ये चीजें हैं जो आपको समझना जरूरी था, ठीक? अब हम बात करते हैं अपने सिस्टम के बारे में। मैंने तो क्लियर किया अभी क्रिप्टो करेंसी की क्या है एग्जैक्टली क्रिप्टो करेंसी, और एक छोटा सा और फंडा समझ लीजिए कि क्रिप्टो करेंसी इंपॉर्टेंट क्यों है। आपने जो COVID-19 का दौर था इससे एक चीज सीखे होंगे। अब वो ये है कि ये जो COVID-19 है ना, इसने लोगों को चीज क्लियर कर दिया कि भाई अब आप किसी भी चीज के लिए, अपने जॉब के लिए, बिजनेस के लिए या फिर करेंसी के लिए फिजिकली डिपेंड हो, डेफिनेटली लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं कर पाओगे। आपको डिजिटल फील्ड का यूज करना ही होगा, डिजिटल फील्ड में आना ही होगा, राइट? इसी को देख करके आप लोग खुद ही सोच लीजिए, छोटे से एग्जाम्पल से समझ लीजिए। सपोज आपके पास 10 रुपए 20 रुपए के नोट है, जो आपके पास है, आपने कभी सोचा कि वो नोट कितने लोगों के हाथों से गुजर के आपके पास आया है? आपने कभी सोचने की कोशिश नहीं किया, बट वो नोट हजारों लोगों के हाथों से गुजर के आपके पास आया, क्या आपने उसको सैनिटाइज किया है? नहीं। सबसे बड़े वायरस का खतरा तो वो नोट है जिसको आप अपने जेब में लेकर के घूम रहे हो, राइट? इसी चीज को समझ करके इंडियन गवर्नमेंट खुद की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने जा रहा है, डिजिटल करेंसी को मूव कर रहा है, राइट? तो ये है डिजिटल करेंसी का फ्यूचर। अगर आप अभी भी इसको इग्नोर करोगे डेफिनेटली लॉन्ग टर्म आपको रिग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि डिजिटल करेंसी ना केवल इंडिया का, पूरे वर्ल्ड का फ्यूचर है। इसको कोई भी कंट्री अभी इग्नोर नहीं करना चाहता है, और हम लोगों को भी इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, ठीक? तो ये तो चीजें मैंने क्लियर किया आपको क्रिप्टो करेंसी का।
अब हम डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं अपने बिजनेस को रिगार्डिंग, है ना, कि हमारा बिजनेस क्या है। देखिए ध्यान से समझिएगा, हमारे जो सिस्टम है वो कोई कंपनी नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि कोई कंपनी नहीं, सिंपल से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे रन करता है, ठीक है। और ये पूरी तरह से एक डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट है, और इसके जो ऑनर है ना, इसके जो क्रिएटर है वो है ये मिस्टर अपना लाडो जी है। ये इन्होंने इसको बनाया, बनाकर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे डिप्लॉय कर दिया। अब इस पर इनका भी कोई कंट्रोल नहीं है सिस्टम पे, ओके। जस्ट कॉमन मैन की तरह काम करते हैं और अर्निंग करते हैं हम लोगों के जैसे। इसीलिए कहा जाता है कि ये बिजनेस आपका अपना है, मेरा अपना है, हर किसी का अपना इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट है, राइट। कोई अपलाइन डाउनलाइन नहीं, सबका अपना इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट है। आप चाहो तो बड़ी अर्निंग कर सकते हो, ठीक। तो ये सिंपल सा आपका है, ये फोरसाज स्टोन है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, डायरेक्टली साइट पे चलते हैं और यहाँ से कुछ चीजें मैं क्लियर करूंगा। जस्ट वेट, मैं आईडी ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर। आप यहाँ पर किसी के भी आईडी ओपन करके चेक कर सकते हो, ओके। इतना ट्रांसपेरेंट सिस्टम है कि आप यहाँ पर हर चीज चेक कर सकते हो, इसके बैलेंस कब आया था, कब कब पेमेंट आया है, सारी चीजों को आप चेक कर सकते हो। यहाँ तक कि इनके अकाउंट के बैलेंस को भी देखिए। एक आईडी नंबर है जिसको मैंने ओपन किया है, यहाँ पे आप अर्निंग वगैरह देख सकते हो। टोटल ज्वाइनिंग है, यहाँ पर डॉलर पे अर्निंग है, और यहाँ पर टीआरएक्स पे टोटल अर्निंग है। ये सारी चीजें आप चेक कर सकते हो, ओके। अब क्या करोगे यहाँ पर, जस्ट वेट, अभी आपको बैलेंस भी चेक करके दिखाते हैं, क्योंकि ये चीजें दिखाना बहुत जरूरी है। व्यू मोड पे क्लिक करिएगा। व्यू मोड पे जैसे क्लिक करोगे, इनके वॉलेट में कितना बैलेंस है अभी वो भी आप देख सकते हो, बट इसका मिसयूज नहीं कर सकती। ये सबसे बड़ी खासियत है सिस्टम की। देखिए यहाँ पर देख लीजिए, इतना बैलेंस अभी 2410। लेकिन का मिस यूज नहीं कर पाओगे, ठीक। ये चीजें है। अब हम डायरेक्टली पॉइंट पे आ जाते हैं, इस सिस्टम में क्या है और इस सिस्टम की खासियत क्या है, अर्निंग वगैरह कैसे करोगे, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ज्यादा ध्यान से समझिएगा, मैंने जब कन्वर्सेशन स्टार्ट किया था, सेशन स्टार्ट किया था ना, तभी चीजें क्लियर किया था कि भाई ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं है। यहाँ पर अर्निंग सिंपल सा तीन तरीके से मिलता है, और वो तीन तरीका कैसे है थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। आपका तीन मैट्रिक्स है, X3, X4 और X Gold, ठीक। तीनों को अगर आप स्टार्ट करना चाहोगे तो आपके वॉलेट में 400 TRX से तो यहाँ पर होना चाहिए, और 200 TRX से एक्स्ट्रा ट्रांजेक्शन चार्जेस के रूप में, दैट मीन्स 600 TRX आपके वॉलेट में होना चाहिए, ओके। 600 TRX दैट मीन्स 2400 रुपीज से आप इस सिस्टम को स्टार्ट कर लोगे, ओनली वन टाइम इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट करोगे। अब अर्निंग होगी कैसे, यहीं पे ध्यान से समझना। आपका तीन कॉन्सेप्ट है अर्निंग का, कैसे कैसे अर्निंग होता है, चार तरीके से अर्निंग होगा, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला अर्निंग आपके करेंट टीम से, ओके। सेकेंड अर्निंग आपके स्पॉन्सर से और उनके, मतलब आपके स्पॉन्सर और आपके क्रॉस लाइन से, इन दोनों से। उसके बाद फोर्थ अर्निंग आपके दो हायर स्पॉन्सर, उनके टीम, आपके टीम, आपके क्रॉस लाइन, सबसे प्रॉफिट होगा। कैसे होगा, आप लोग कंफ्यूज्ड मत होइए, आपको एकदम अच्छे से बता देता हूँ। देखिए ये आपका पहला मैट्रिक्स है X3, ठीक है। पहले मैट्रिक्स पे अर्निंग कैसे होता है, सिंपल सा समझिएगा। हर एक मैट्रिक्स पे तीन, हर एक स्लॉट पे तीन तीन सर्कल है, हर एक स्लॉट पे तीन तीन सर्कल, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, राइट। अब यहाँ पे अर्निंग होता कैसे है, फर्स्ट सर्कल सेकंड सर्कल पे जो भी फिलिंग होगा इसका अर्निंग आपको जाएगा, थर्ड का आपके स्पॉन्सर को जाएगा, ओके। जैसे ये स्पॉन्सर को जाएगा, सर्कल फिर से खाली होगा और फिर से आप यहाँ पर अर्निंग लोगे। दैट मीन्स आपने स्लॉट ओनली वन टाइम अपग्रेड किया, अब यहाँ से बार बार अर्निंग करते रहोगे। अब जैसे ही ये स्लॉट आपका फुलफिल हुआ, सेकेंड स्लॉट को आपने अपग्रेड किया, यहाँ से भी अर्निंग शुरू होगा। यहाँ पर जाओगे तो यहाँ से भी अर्निंग शुरू होगा। काफी लोगों का ये डाउट रहता है कि भाई मुझे ये बताओ, 1% को रेफर करूंगा तो कितना कमीशन मिलेगा, कितना परसेंट। समझे ध्यान से, मिनिमम जब आप स्टार्ट करते हो 600 TRX से ना, तो मिनिमम मैं बात करूँ परसेंट की तो 30% और मैक्सिमम 70-80% आपको अर्निंग होता है। ये एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट है जो आप स्टार्टिंग में अर्निंग करते हो ना, ये चीज है। लेकिन यहाँ पर कहा जाता है कि एक ही पर्सन से भाई 2.5 करोड़ की अर्निंग कर सकते हो आप, तो कैसे पॉसिबल है, थोड़ा सा और इसको समझ लीजिए। एक पर्सन सपोज संजय मेरे साथ ज्वाइन करा है, तो संजय से मुझे स्टार्टिंग में 100 TRX मिला। अब संजय काम कर रहा है, आगे स्लॉट अपग्रेड कर रहा है ना, तो संजय से मुझे 200, फिर 400, फिर 800, फिर 1600, ऐसे करके लास्ट तक पूरा का पूरा अर्निंग 100% मिलते रहेगा। तो 100% कमीशन होता है यहाँ पर, बस स्टार्टिंग को छोड़ दीजिए, फिर आपको 100% कमीशन मिलता है। जैसे जैसे स्लॉट अपग्रेड करते जाते हैं आपको 100% कमीशन मिलते जाएगा। और एक ही पर्सन से X3 और X4 दोनों को मिलाकर और X Gold को मिला दूं, तो तीनों को मिलाकर लगभग 2.5 करोड़ की अर्निंग हो सकता है, राइट। अगर वो बंदा एक्टिव है, काम करने वाला है तो, ओके। तो ये सिंपल सा आपका X3 का कॉन्सेप्ट है, जिसमें दो पे अर्निंग आपको मिलेगा, तीसरे पे स्पॉन्सर को जाएगा,
जैसे जैसे स्लॉट अपग्रेड करोगे आपकी अर्निंग बढ़ते चला जाएगा, ठीक। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ये आपका X4 है, सेकंड अर्निंग के सोर्स है, ठीक है। कैसे है, यहाँ पे X4 के 100 DRX को देखिए, यहाँ पर 6 सर्कल है टोटल, तो फर्स्ट और सेकंड सर्कल पे जो भी फिलिंग होगा इसका अर्निंग आपको नहीं मिलेगा, और 6 सर्कल की, इन तीनों सर्कल पर जो भी फिलिंग होगा इसका अर्निंग आपके स्पॉन्सर को जाएगा, ओके। उसके बाद ये जो थर्ड फोर्थ और फिफ्थ है, इन तीनों सर्कल पर जो भी फिलिंग होगा इसका अर्निंग 100% आपको मिलेगा, इस स्लॉट के प्राइस का 100% आपको मिलना है, ओके। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि तीन पे अर्निंग आपको होगा, तीन पे स्पॉन्सर को। बट भाई बेनिफिट क्या है, आपने बोला था स्पॉन्सर से भी प्रॉफिट होगा, तो कैसे होगा, ध्यान से समझिए। यहाँ पर ये जो मतलब ये जो 6 सर्कल है ना, ये जरूरी नहीं है आपके डायरेक्ट से ही फिल हो, राइट। ये आपके स्पॉन्सर, आपके क्रॉस लाइन दोनों के थ्रू और आपके थ्रू, तीनों के थ्रू फिल हो सकता है, लेकिन X3 सिर्फ आपके थ्रू ही फिल होगा और आपके करेंट टीम के थ्रू, राइट। आपके स्पॉन्सर के थ्रू वो फिल होने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपके स्पॉन्सर क्रॉस लाइन सबसे प्रॉफिट होता है और तीनों से फिल हो जाता है ये, इसीलिए यहाँ पर एक तरीके से टीम वर्किंग अर्निंग आपको होता है X4 पे, ठीक है। और जैसे जैसे यहाँ पर स्लॉट अपग्रेड करते जाते हो ना, आपकी अर्निंग मल्टीप्लाई होते चला जाता है, मल्टीप्लाई होते चला जाएगा आपके टीम के साथ साथ, ठीक। तो ये चीजें हैं, काफी सारे लोगों का यही डाउट रहता है, स्पेशली अफिलिएटर्स और नेटवर्कर की बात करूँ तो लोगों को लगता है कि यहाँ पे बहुत कम अर्निंग होता है, बट जब आप इसको कैलकुलेट करने में उतरोगे ना, तो फिर होश उड़ जाएंगे। मैंने जब, मुझे खुद पता नहीं था, मैंने जब पूरा कैलकुलेट किया तो मैं शॉक हो गया कि 1% से 2 करोड़ या 2.5 करोड़ की अर्निंग आप कर सकते हो, इस सिस्टम की पावर क्या होगी, राइट। ये चीजें हैं, तो इसको थोड़ा सा और एनालाइज करने की कोशिश करना। अब हम बात करते हैं थर्ड अर्निंग की, एक्स गोल्ड के बारे में। एक्स गोल्ड पे अर्निंग कैसे होता है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ये आपका एक्स गोल्ड है, 200 TRX से आपका स्लॉट ओपन हो जाता है, ठीक है। अब अर्निंग होता कैसे, सिंपल सा 4 लेवल है। फर्स्ट लेवल पे जो 2 सर्कल है इस पे अर्निंग आपको नहीं होगा, आपके स्पॉन्सर को जाएगा, ठीक। सेकंड लेवल पर ये जो 4 सर्कल है, इसमें इस स्लॉट के प्राइस का 20% आपको डायरेक्ट मिलेगा, ओके। उसके बाद ये जो थर्ड लेवल है, इसमें इस स्लॉट के प्राइस का 30% मिलेगा, और नीचे का जो फोर्थ लेवल है, इसमें इस स्लॉट के प्राइस का 50% मिलेगा। दैट मीन्स ये आपकी अर्निंग को 11 गुना मल्टीप्लाई कर देता है। 200 TRX इन्वेस्ट किए थे और 4200 और 2240 TRX की टोटल अर्निंग आपकी हो जाती है। तो ये इस सिस्टम की खासियत है कि आपने इन्वेस्टमेंट तो बहुत छोटा किया, बट ये आपकी अर्निंग को 11 गुना मल्टीप्लाई करके रिटर्न देता है, ओके। अब एक बार आपका रिसाइकल हो गया तो बार बार आपको अर्निंग देते रहेगा। जैसे कि आप देख लीजिए, 2 बार मैंने यहाँ से अर्निंग ले लिया और तीसरी बार अर्निंग शुरू हो गया है, तीसरी बार अर्निंग शुरू हो गया है। और इसका बेनिफिट क्या है, ये जो 30 सर्कल है ना, ये जरूरी नहीं है आपके डायरेक्ट से ही फिल हो। आप किसी को डायरेक्ट ज्वाइन कराओगे तभी फिल होगा, ऐसा नहीं है। ये आपके थ्रू, आपके स्पॉन्सर के थ्रू, आपके क्रॉस लाइन के थ्रू, साथ ही आपके 2 हायर स्पॉन्सर और उनके टीम के थ्रू, किसी के थ्रू भी फिल हो सकता है और आपको अर्निंग होगी। ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको आपके अपलाइन क्रॉस लाइन से बेनिफिट मिलता है, कहीं पर भी कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिसमें ऐसा होता हो, बट यहाँ पर ये सिस्टम है। ये तो चीजें मैंने क्लियर किया, अर्निंग का सिनारियो मैंने क्लियर किया। अब थोड़ा सा पॉइंट पे आते हैं कुछ चीजें। काफी सारे लोगों का यही डाउट होता है कि भाई ऐसे कंपनियां तो आते रहता है तो बंद हो जाते हैं, ये भी बंद हो जाएगा क्या पता। तो ध्यान से समझिए, 2 रीजन है जिसके कारण ये बंद नहीं होगा, इस चीज को क्लियर कर लीजिए। सबसे पहला, ये जो सिस्टम है ना, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे रन कर रहा है, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर एक बार आपने इसमें किसी चीज को डिप्लॉय कर दिया तो सिस्टम तब तक चलेगा जब तक कि इंटरनेट है, और इंटरनेट का फ्यूचर आपको पता है कब तक रहने वाला है। सेकेंड, क्यों ये बंद नहीं होगा, ध्यान से समझिएगा, ये कोई कंपनी नहीं, सिंपल से एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है, राइट। सिंपल से एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है। जैसे कि आप लोगों को पता है, कोई कंपनी है ना, उसका एक ऑनर होता है, राइट, जो आपको वीकली या मंथली पेमेंट प्रोवाइड करता है। अब जहां पर वीकली या मंथली पेमेंट दिया जाता है ना, वहां पर पैसे इकट्ठा होता है और वहीं से कंपनी भाग जाता है या बंद हो जाता है। लेकिन इस सिस्टम की खासियत यह है कि विद इन अ सेकेंड आपको अपना कमीशन अपने वॉलेट में मिल जाता है। कैसे, ध्यान से देखिए, अभी लाइव आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप क्लिक करिएगा, ठीक है, यहाँ पे स्टैटिक्स पे जाइएगा, स्टैटिक्स पे जाकर के आप बैलेंस चेक करिएगा कि कब कब इनको पेमेंट आया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे डेट देखिए, 7 तारीख का, आपको आप देख सकते हो यहाँ पे डेट, ओके। यहाँ पे 7 तारीख के पेमेंट है, देख लीजिए, ओके। ये चीजें हैं। अब मैं चीजें आपको क्लियर करता हूँ। यहाँ पर देखिए कितना है, 800 TRX आया है, 200 TRX आया। चलो अब हम वॉलेट पे चलते हैं, यहाँ से देख लेते हैं वॉलेट पे। ये आपका वॉलेट है जिसमें आपका बैलेंस आता है, आपकी अर्निंग यहाँ पर आएगा, और कैसे आता है देखिएगा, आपको पूरा का पूरा टाइम के साथ सारी चीजें दिखाई देगा यहाँ पे। जस्ट वेट, ओपन होने दीजिए।
वेट वेट, ये है। और यहाँ पर हिस्ट्री पे क्लिक करिए आप। हिस्ट्री पे जैसे क्लिक करोगे ना, यहाँ पर चेक कर लीजिएगा, 100 TRX मिला है, 800 TRX और नीचे 200 TRX, राइट। अभी कब मिला है देख लीजिए, 7 तारीख की है, 10:40 में आया हुआ है, राइट। यहाँ पर देख लीजिए, 7 तारीख है, 9:43। तो ये है, अब मुझे ये बताइए, मेरा बैलेंस तो मुझे मिल गया, मेरा अर्निंग तो यहाँ पे सेफ है, तो क्या लेके भागेगा सिस्टम मेरा? ये है सिस्टम की खासियत, ओके। तो यहाँ पर कोई भी लॉस के चांसेस नहीं है। अगर आपने इसमें स्टार्ट कर लिया है तो आपका कमीशन तुरंत आपके वॉलेट में ऐड हो जाता है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको होल्ड करके रखना चाहते हो, बैंक में विड्रॉ करना चाहते हो, एज यू विश, आप पे डिपेंड करता है ये चीजें, ठीक। तो ये है सिंपल सा हमारा कॉन्सेप्ट, होप चीजें क्लियर हुआ होगा। और आप खुद ही सोच सकते हो कि सिस्टम अब क्यों लॉन्ग टर्म चलने वाला है। भाई 1 रुपया सिस्टम पे रुक नहीं रहा है, डायरेक्ट आप जितना एफर्ट डालोगे उतना आपको प्रॉफिट मिल रहा है, तो क्या लेके भागेगा सिस्टम? और एक चीज और क्लियर कर दूं कि इस सिस्टम की खासियत यह है कि अगर आपने स्टार्ट कर लिया, राइट, सपोज कुछ रीजन वश आप काम ना कर पाए, तो अगर आपका स्पॉन्सर और उनका टीम एक्टिव है ना, तो आपको यार 1 से 1.5 महीने में जितना आपने इन्वेस्ट किया उससे 1.5 से 2 गुना रिटर्न आपको मिल सकता है। बट छोटे माइंडसेट के साथ इस सिस्टम को ज्वाइन मत करिएगा। अगर आपको करना है तो एक बड़े माइंडसेट, विजनरी माइंडसेट के साथ करिएगा कि नहीं भाई, मुझे मेरे स्पॉन्सर से अर्निंग नहीं चाहिए, मुझे दबा के काम करना है, दबा के अर्निंग करना है। जैसे मैंने किया था, मैंने डायरेक्टली काम करना शुरू किया और अच्छे से काम करके अर्निंग भी अच्छा सा किया, राइट। तो अगर आप लोग भी ऐसे ही सोच रखते हो, देन आप लोगों का वेलकम है सिस्टम पे। बट ये सोचो कि मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया इसको निकालूं, तो वहां पर आप गलत रहोगे और इस सिस्टम पे एक छोटे से अमाउंट आपको मिलेगा। बोलते हैं ना, समुद्र में अगर आप एक लोटा डुबोगे तो एक लोटा पानी ही निकलेगा। तो ये चीजें है, अगर आप बाल्टी लेके जाओगे तो बाल्टी भर पानी। तो वो है कि हमारे माइंड सेट के ऊपर और हम पर डिपेंड है कि हम यहाँ से कितना अर्निंग कर सकते हैं। लोगों ने यहाँ से लाखों नहीं करोड़ों की अर्निंग करा हुआ है, राइट। आपके सामने हमारे टीम से 3-4 लोग हैं जिन लोगों ने सिस्टम से 1 लाख रुपए से ज्यादा की अर्निंग कर लिया है। तो ये है सिस्टम की खासियत, वो चीजें क्लियर हुआ होगा। और कुछ डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, आईडी कैसे लगाना हो, तो इसके लिए आपको जिन्होंने भी लिंक शेयर किया ना, उनसे एक बार कंसल्ट कर लीजिएगा। पेमेंट के लिए काफी सारे लोग इश्यू करते हैं, समझिए ध्यान से। यहाँ पर आईडी 2 तरीके से लगा सकते हो। सबसे पहला, खुद तो कोई एक्सचेंजर डाउनलोड कर लीजिए, जैसे मैंने दिखाया ना ज़ैप्पे, खुद कोई एक्सचेंजर डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ पर KYC वगैरह अपडेट कर लीजिए, और ड्रोन खुद से बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो। ये पहला कंडीशन है, लेकिन इसके लिए 24 घंटे का टाइम आपको लगेगा, ठीक है। सेकेंड क्या है, आप क्या करोगे, अपने स्पॉन्सर को जिन्होंने भी आपको लिंक शेयर किया उनको पेमेंट कर दीजिएगा। वो बस 10 मिनट में ड्रोन परचेस करके आपको सेंड कर देंगे और अपना अफिलिएट लिंक दे देंगे, और आप टोकन पॉकेट में अपना आईडी जनरेट कर सकते हो। तो ये सिंपल सी चीजें हैं, होप क्लियर हुआ होगा। मैंने आप लोगों से 25 मिनट कहा था, 23 मिनट में फाइनली खत्म हुआ हमारा प्रेजेंटेशन। थैंक यू सो मच आप सबका पेशेंस बनाए रखने के लिए। और किसी का कोई डाउट हो देन यू कैन रेज योर हैंड। या थैंक यू अरुण, बहुत बहुत अच्छा वेबिनार लिया आपने। एंड किसी का भी जो भी डाउट हो तो अरुण हम लोग यहाँ पे क्लियर कर देंगे। अभी यहाँ पे 97 पार्टिसिपेंट हैं, एंड ये बहुत अच्छी बात है, आप लोग अभी तक रुके हैं, मैं देख रहा था। सो किसी का भी कोई भी डाउट हो तो आप क्लियर कर सकते हैं। एंड